देखिए सर, आज ये मुकद्दस महीना जो चल रहा है, इसके मुतबरक आयाम जो चल रहे हैं, अब कल नहीं तो परसों योम आशूरा है, तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो सारी आलमी इंसानियत के लिए एक दर्स है। तो हम भी अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हम भी जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। इसीलिए आज जज्बा 24 ने यहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़द की थी। सिर्फ यही कहा, यही इसमें कहा गया है कि जनाब इमाम हुसैन ने जो दर्ज दिया है उसको, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आजकल जो पूरी जो दुनिया कत्ल गारतगरी में एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, तो इस सिलसिले में सबसे एक ही रास्ता है जो जनाब इमाम हुसैन ने हमें दिखाया है। तो हम भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं और हम पहले जज्बा 24 का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी जो मजलिसों का इनेकाद किया है कि कश्मीर के हर ज़िले में। तो इसलिए हमारे जो नौजवान बच्चे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि जनाब इमाम हुसैन ने किस लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। तो वो एक जालिम के ख़िलाफ़ जो मैदानी कारजार में जनाब इमाम हुसैन आए थे, यही कि इंसानियत के लिए एक दर्स होगा, जिससे सारी इंसानियत इस वक्त इमाम हुसैन की तारीफ ही कर रही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इस वक्त भी हयात है, तो हम उसकी हयात को मानने वाले हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं।